हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर मीनू भटनागर आज कक्षा 10 CBSE बोर्ड के बच्चों के लिए एक विशेष सीरीज लेकर उपस्थित हो रही हूँ। यह सीरीज विशेष रूप से रिवीजन के लिए तैयार की जा रही है। पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारे अभ्यास प्रश्न पत्र मॉडल टेस्ट पेपर सभी बच्चे कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हुआ बच्चों के साथ बात करते हुए कि अब आवश्यकता है तो एक दृष्टि में पुनरावृत्ति कार्य की अर्थात रिवीजन की, जिसमें बच्चों को अधिक समय और अधिक मेहनत ना लगानी पड़े, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ मैं तैयार कर रही हूँ कक्षा 10 के CBSE वाले हिंदी साहित्य के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि इन सेशंस को ध्यानपूर्वक सुनने मात्र से ही आपका पूरा पाठ अच्छे प्रकार से रिवाइज हो जाएगा। इस सीरीज़ में हम पाठ पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि बहुत संक्षेप में सारांश देकर आपको याद कराने के उद्देश्य से अधिक प्रश्न उत्तर और उनका सही उत्तर आपको देने का प्रयास करेंगे। आज की सीरीज़ में, आज के सेशन में पहला अध्याय आपका नेताजी का चश्मा को हम लेंगे। स्वयं प्रकाश जी की रचना है ये, और इस पाठ में से हर लाइन से, प्रत्येक लाइन से और अधिक से अधिक प्रश्न निकालने के प्रयास में मैं 100 प्रश्न आपके लिए तैयार कर सकी हूँ। एक एक करके प्रश्न पर ध्यान देंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और उसका उत्तर बताती जाऊंगी। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, जो मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, और उसको अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में बिठाने का प्रयास करें। तो सर्वप्रथम इस पाठ का सारांश बहुत संक्षेप में करते हैं। इस पाठ में लेखक स्वयं प्रकाश ने एक कस्बे का सचित्र वर्णन किया है। यह छोटा सा कस्बा बहुत कम पक्के मकान और अधिकतर कच्चे मकान, लड़कों और लड़कियों के लिए एक एक विद्यालय, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 खुले सिनेमाघर और एक नगर पालिका तथा एक ही मुख्य बाजार था। इसी बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगी हुई थी, जो आकर्षण का केंद्र थी और संगमरमर से बनी हुई थी। हालदार साहब हर 15वें दिन कंपनी के कार्य से वहां से गुजरा करते थे। पहली बार जब उन्होंने उस मूर्ति को देखा तो उन्हें लगा कि नगर पालिका के किसी अति उत्साही अधिकारी ने बहुत जल्दबाजी में इसको लगवाया होगा, खास तौर से उस समय जब उनकी कार्यकाल पूरा हो रहा था। इसके और भी कई कारण रहे होंगे, जैसे 1, मूर्ति निर्माण की लागत, 2, अच्छे मूर्तिकारों का अभाव और पत्र व्यवहार में बहुत समय लगना, और अंत में कुछ भी निर्णय न होने हो पाने की स्थिति में स्कूल के एकमात्र ड्राइंग टीचर को, ड्राइंग मास्टर को यह कार्य दे दिया गया, इस आश्वासन के साथ कि वो 1 माह में इस कार्य को अवश्य ही पूरा कर देगा। वह मूर्ति संगमरमर की थी, लेकिन चश्मा असली था। हालदार साहब ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत नया और उत्कृष्ट विचार लगा। अगली बार जब वे वहाँ से गुजरे तो चश्मा बदला हुआ था। वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। उसी स्थान पर पान वाले की एक दुकान थी। हालदार साहब ने
पान खाया और पान वाले से इसका कारण पूछा और ये जानना चाहा कि आखिर चश्मा बदला किसने। पान वाले ने बताया कि कैप्टन इसका चश्मा बदलता है। कैप्टन सुनकर हालदार साहब सोचते हैं कि शायद फौज का कोई भूतपूर्व सैनिक होगा। उनके पूछने पर पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया और बोला, अरे साहब, वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा। उसी समय हालदार साहब के समक्ष एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी उपस्थित होता है। वह उसी स्थान पर चश्मे बेचता था और चश्मों के प्रचार प्रसार के लिए चश्मा बदल दिया करता था। ग्राहक को पसंद आने पर वह चश्मा ग्राहक को देकर दूसरा फ्रेम मूर्ति को लगा देता था। 2 वर्षों तक लगातार हालदार साहब ये क्रिया देखते रहे। एक दिन अचानक जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखाई दिया। पूछने पर पता चलता है कि कैप्टन मर चुका है। उन्हें लगा कि अब मूर्ति बिना चश्मे के रहेगी, परंतु ये क्या। अगले 15 दिनों बाद जब वो वहाँ से गुजरे तो उन्हें मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा दिखाई दिया। उन्हें बहुत सुखानुभूति हुई। बहुत अच्छा लगा यह सोचकर कि आगामी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है और वे श्रद्धा से मूर्ति को नमन करके अपनी जीप की ओर बढ़ गए। तो बच्चों, ये पाठ का सारांश था जो बहुत संक्षिप्त रूप से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। अब पाठ के उद्देश्य को देखते हैं। पाठ का मूल उद्देश्य है, केवल सेना में भर्ती होकर के ही देशभक्ति नहीं की जा सकती। देशभक्ति का भाव यदि मन में है तो अपनी छोटी से छोटी गतिविधि से भी हम उसे दिखा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसा मैंने आपको बताया कि 100 प्रश्न मैंने निकाले हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं, प्रश्न पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। नेताजी का चश्मा पाठ के रचनाकार स्वयं प्रकाश। ऊहापोह शब्द का अर्थ है उलझन। ऊहापोह में किसका समय बीत रहा था? नगर पालिका का। मूर्ति ठीक करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? नगर पालिका की। मूर्ति बनवाने के लिए किसको चुना गया? स्कूल के ड्राइंग मास्टर को। नगर पालिका निर्णय क्यों नहीं ले पा रही थी? इसके 3 कारण थे, अच्छे कलाकारों की जानकारी ना होना, चिट्ठी पत्री में बहुत समय लग जाना और 3रा कारण लागत का अंदाज़ा ना होना। मूर्ति किसकी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। मूर्ति कहाँ स्थित थी? कस्बे के मुख्य चौराहे पर। मूर्ति किस चीज़ से बनी थी? संगमरमर से। मूर्ति में टोपी की नोक से दूसरे बटन तक की ऊंचाई कितनी थी? 2 फीट। वेस्ट का अर्थ बताइए, सर से सीने तक का भाग मूर्ति के अनुसार। मूर्ति में क्या कमी थी? चश्मा नहीं था। मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था? वास्तविक। हालदार साहब कस्बे से क्यों गुजरा करते थे? कंपनी के काम से। हालदार साहब चौराहे पर ही क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए और मूर्ति को देखने के लिए। हालदार साहब क्यों मुस्कुराए? मूर्ति का चश्मा देखकर। हालदार साहब को क्या पसंद आया? आइडिया। आइडिया क्या था? मूर्ति संगमरमर की और चश्मा असली। हालदार साहब की क्या आदत पड़ गई थी? चौराहे पर रुककर पान खाना और मूर्ति को देखना। हालदार साहब की जिज्ञासा का क्या कारण था? बार बार चश्मे का बदल जाना। हालदार साहब ने पान वाले से क्या जानना चाहा? मूर्तिकार का नाम।
पान वाले का स्वभाव कैसा था? खुश मिजाज। पान वाले की शारीरिक संरचना कैसी थी? मोटा और काले वर्ण का। चश्मे वाले का क्या नाम बताया गया? कैप्टन चश्मे वाला। क्या चश्मे वाला सेना में कार्यरत था? नहीं। हालदार साहब क्या देखकर अवाक रह गए? चश्मे वाले का व्यक्तित्व। कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा। कैप्टन अपने चश्मे कैसे बेचता था? गलियों में फेरी लगाकर। क्या उसके पास कोई दुकान थी? नहीं। कैप्टन ने अपने चश्मे कहाँ रखे थे? बांस पर टांग कर। उसके सिर पर कैसी टोपी थी? गांधी टोपी। हालदार साहब ने कैप्टन को देखकर क्या सोचा? इसको कैप्टन क्यों कहते हैं? हालदार साहब को कौन सा विचार परेशान कर रहा था? पान वाले के द्वारा कैप्टन का मजाक बनाया जाना। वे किस बात से व्यथित थे? देशभक्तों का मजाक बनाने वाली कौम का विचार करके। पान वाला कैसा व्यक्तित्व था? देशभक्तों पर हंसने वाला और मौके पर बिक जाने वाला। कस्बे की हृदय स्थली शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? नेताजी की मूर्ति वाले चौराहे के लिए। कैप्टन की मृत्यु की सूचना हालदार साहब को कैसे मिली? अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पान वाले से पूछने पर। कैप्टन की मृत्यु के पश्चात मूर्ति पर चश्मा किसने लगाया? संभवतः किसी बालक ने। मूर्ति पर अब कैसा चश्मा लगा था? सरकंडे का। कैप्टन की मृत्यु के बाद हालदार साहब ने क्या न करने का फैसला किया? मूर्ति को न देखने का और पान न खाने का। मूर्ति न देखने का फैसला क्यों किया? क्योंकि शायद अब उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मूर्ति के नीचे क्या लिखा था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। मूर्तिकार कौन थे? स्कूल के एकमात्र ड्राइंग मास्टर। मूर्तिकार ने कैसा चश्मा बनाया था? कैसा भी नहीं। कैप्टन के विषय में हालदार साहब ने क्या पूछा? क्या कैप्टन नेताजी का साथी था अथवा आजाद हिंद फौज का सिपाही था? किसके सम्मुख नतमस्तक होते हुए हालदार साहब जीप की ओर चले? नेताजी सुभाष चंद्र की मूर्ति की। किस कारण हालदार साहब चौराहे पर रुक के मूर्ति को निहारा करते थे? देशभक्ति की भावना के कारण। कैप्टन की मृत्यु के बाद पान वाले के मन में उसके प्रति कैसी भावना थी? सहानुभूति की। पान वाला क्यों रोने लगा? कैप्टन की मृत्यु के कारण। कैप्टन मूर्ति पर बार बार चश्मा क्यों लगाता था? प्रचार प्रसार के लिए और साथ ही अपनी देशभक्ति की भावना को प्रकट करने के लिए, अर्थात सुभाष चंद्र की मूर्ति को पूर्णता प्रदान करने के लिए। चौराहे पर मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य? महान लोगों की स्मृति को बनाए रखना और उनके महान कार्यों से प्रेरित होकर उसी प्रकार के कार्य करने की चेष्टा करना। क्या पान वाले के हृदय में
देशभक्ति की भावना थी हाँ, लेकिन अप्रकट। पान वाले की देशभक्ति की भावना कब मुखरित हुई? कैप्टन की मृत्यु के बाद। प्रस्तुत पाठ में कैप्टन कौन है? एक बूढ़ा दिव्यांग चश्मे वाला। अच्छे कलाकारों की जानकारी न होने की बात किससे संबंधित है? नगर पालिका से। ड्राइंग अध्यापक का नाम बताइए। मोतीलाल। बत्तीसी दिखाना का क्या अर्थ है? बत्तीसी दिखाने का तात्पर्य है हंसते हुए बोलना। मुहावरा है ये। क्या कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर चश्मा लगा? यदि हाँ तो कैसा? हाँ, कैप्टन की मृत्यु के बाद मूर्ति पर चश्मा लगा, लेकिन सरकंडे का। ये सरकंडे का चश्मा किसने लगाया? शायद किसी बच्चे ने। बच्चे की क्या भावना रही होगी? देशभक्ति की और मूर्ति को पूर्णता प्रदान करने की। मूर्ति की वर्दी कैसी थी? सैनिक वर्दी। कहानी में लंगड़ा व्यक्ति कौन है? कैप्टन। हालदार साहब के मन में क्या जिज्ञासा थी? चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं? मूर्ति बनाने अथवा निर्माण करने का काम सौंपने का निर्णय कब लिया गया? बोर्ड की शासनावधि यानी कार्यकाल समाप्त होने के समय। नेताजी का नारा क्या था? नेताजी का नारा था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक की ऊंचाई कितनी थी? 2 फीट। हालदार साहब दुखी क्यों थे? शहीदों के त्याग और बलिदान का उपहास करने वाली कौम के विषय में विचार करके। नेताजी का चश्मा कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? सुभाष चंद्र की प्रतिमा पर लगे चश्मे के इर्द गिर्द। हालदार साहब किस बात से आश्चर्यचकित थे? वे आश्चर्यचकित थे कि संगमरमर की मूर्ति बनाने वाला स्कूल का एक ड्राइंग अध्यापक था। पारदर्शी का अर्थ बताइए। जिसके आर पार देखा जा सके। क्या आइडिया है से क्या तात्पर्य है? क्या सोच है यानी अनोखी सोच। हालदार साहब प्रभावित हुए थे ये देखकर कि संगमरमर की मूर्ति और उस पर वास्तविक चश्मा। हालदार साहब कस्बे से कब गुजरते थे? प्रत्येक 15 दिन के बाद। कस्बे में कितने मकान थे? कुछ ही। नगर पालिका कौन सा काम नहीं करती थी? स्कूल नहीं खुलवाती थी। कस्बे में क्या कोई बड़ा शॉपिंग मॉल था? नहीं। नगर पालिका कौन कौन से कार्य करवाती थी? सड़क पक्की करवाना, कबूतरों की छतरी बनवाना, कभी कभार कवि सम्मेलन इत्यादि करवाना, पेशाब घर इत्यादि बनवाना। कस्बे में क्या क्या था? एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, सीमेंट का एक छोटा कारखाना और नगर पालिका। पाठ में पान वाले ने किसका मजाक उड़ाया? कैप्टन चश्मे वाले का। हालदार साहब के अनुसार कैप्टन चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था? वो एक देशभक्त व्यक्ति था। चश्मे वाले ने अपना बांस कहाँ रखा था? एक बंद दुकान के शटर के सामने।
हालदार साहब चश्मे वाले से संबंधित क्या जानकारी चाहते थे? वे चाहते थे कि उन्हें पता चले कि इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है। पान वाले ने उन्हें सही उत्तर दिया अथवा नहीं, नहीं, उसने कहा कि वो इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहता। अवाक रह जाने का क्या अर्थ है? अवाक रह जाने का अर्थ है कुछ न कह पाने की स्थिति होना। कहानी में कौन से प्रयास को सराहनीय कहा गया है? कहानी में ड्राइंग मास्टर के द्वारा नेताजी की मूर्ति निर्माण करने के प्रयास को सराहनीय प्रयास कहा गया है। क्या हालदार साहब को पान वाले द्वारा कैप्टन को लंगड़ा कहा जाना अच्छा लगा? यदि नहीं तो क्यों? उन्हें अच्छा नहीं लगा, हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अपंग होते हुए भी मन में देशभक्ति का विचार और भावना रखता था। हालदार साहब के अनुसार अब देशभक्ति की भावना क्या होती जा रही है? मजाक की भावना या दिखावे की भावना? हालदार साहब अपनी किस बात आदत से मजबूर थे? चौराहे पर पहुंचते ही मूर्ति को देखने की आदत से। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ जाती, परंतु हालदार साहब क्या सोचते रहते? चौराहे पर मूर्ति लगाने का औचित्य के विषय में विचार करते रहते। नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ था? क्या वो बना था? नेताजी का ओरिजिनल चश्मा नहीं था, वो बना ही नहीं था। हालदार साहब कैप्टन के मरने के बाद कितने दिन बाद दोबारा कस्बे से गुजरे? 15 दिन के बाद। कस्बे में घुसने से पहले हालदार साहब क्या सोच रहे थे? कैप्टन मर चुका है, अब सुभाष की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा। हालदार साहब ने ड्राइवर से क्या कहा? उन्होंने ड्राइवर से कहा कि वे आज वहां पान नहीं खाएंगे। स्वयं प्रकाश किस पत्रिका का संपादन कार्य करने से जुड़े हुए हैं? पत्रिका का नाम है वसुधा। स्वयं प्रकाश किस वर्ग से संबंध रखते हैं? मध्यम वर्गीय। स्वयं प्रकाश की कहानियों से मूलतः क्या संदेश मिलता है? स्वयं प्रकाश की कहानियों में जाति भेद, धर्म भेद, संप्रदाय और लिंग के आधार पर होने वाले शोषण का विरोध आमतौर पर देखने को मिलता है। नेताजी का चश्मा कहानी का संदेश क्या है? केवल बड़े ही नहीं, बच्चों के मन में भी अपने देश के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव विद्यमान होता है। स्वयं प्रकाश की रचनाओं में कौन सी बोली का प्रभाव दिखता है? उनकी स्थानीय बोली का। हालदार साहब चौराहे पर रुकना और मूर्ति को निहारना उनकी कौन सी विशेषता की ओर संकेत करता है? देशभक्ति और कार्य को सराहने की भावना। स्वयं प्रकाश की रचनाएं कौन सी शैली में लिखी गई हैं? स्वयं प्रकाश ने अधिकतर रचनाएं किस्सा गोई शैली अर्थात कहानी कहने की शैली में लिखी हैं। ये हमारे अध्याय से संबंधित क्वेश्चंस हुए। और अब आखिरी प्रश्न, 100वां प्रश्न, उसमें हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। कई बार प्रश्न पत्र में कठिन शब्दों के अर्थ भी पूछ लिए जाते हैं वैकल्पिक उत्तर देकर। स्थानीय, स्थानीय का अर्थ है क्षेत्र विशेष से संबंधित। खुशमिजाज, खुशमिजाज यानी हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति। ऊहापोह, ऊहापोह का अर्थ है उलझन की स्थिति। शासनावधि, कार्यकाल। सरकंडा, कच्ची लकड़ी
एक प्रकार की घास होती है ये। कौतुक, जिज्ञासा, किस्सा गोई, कहानी कहना, आइडिया, विचार, दुर्दमनीय, जिसे दबाना कठिन हो, अर्थात जब किसी चीज़ को जानने की बहुत जिज्ञासा होती है और उसको रोक ना पाए इंसान, तब वो स्थिति दुर्दमनीय होती है। नतमस्तक, शीश नवाना। पूरे पाठ में से ये कठिन शब्द छांटे गए हैं, इनको याद करना आपके लिए लाभकारी होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार का अध्ययन करके आपके चैप्टर्स, आपके अध्याय जल्दी जल्दी रिवीजन ले लेंगे और आपको प्रश्न पत्र को हल करने में आसानी होगी। बहुविकल्पीय प्रश्न आप लोग कक्षाओं में और प्रश्न पत्रों में कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन इस प्रकार से 2-3 बार 4 बार सुनने से आपको सारा का सारा चैप्टर अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगला पाठ अगले सप्ताह। शुभकामनाएँ, शुभ रात्रि।